हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज फिर आपके लिए एक स्लिम बैग लेकर आई हूँ। और उसके बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये हमारी बैग की पॉकेट है। ये जैसे कि मैं हमेशा पूरी फुल देती हूँ। और इसके बाद ये हमारी बेल्ट आप देख ही रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशन भी देख रहे हैं, ब्लू के साथ ब्लू प्रिंट है। और ये मैंने यहाँ पर डिटैचबल हुक लगाया है। इसको हम इस तरह से खोलेंगे तो हमारा पूरा पर्स ओपन होगा। और एक हमारी पॉकेट यहाँ पर है जो पूरी है, इस तरह से काफ़ी स्पेस है, इसमें बहुत कुछ रखा जा सकता है। तो दो पॉकेट हो गई हमारी, पहली, दूसरी, ये हमारी थर्ड पॉकेट है। फिर हम ये फ्लैप हटाएंगे तो ये हमारी फोर्थ पॉकेट आ गई। और उसके बाद फिर हमने एक जिप दी है, ये हमारी फिफ्थ पॉकेट आ गई। तो ये हमारी फाइव पॉकेट का स्लिंग बैग है। कलर कॉम्बिनेशन आप देख ही रहे हैं, इसी तरह से कलर कॉम्बिनेशन में इसको बनाना है। और इस दोनों फ्लैप को पॉकेट में रखने के लिए और डिज़ाइन के लिए भी ये इस तरह से डिटैचबल हुक दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, आज के स्लिंग बैग के लिए हमें सामान चाहिए 11x14 इंच के टू पीस क्विल्टेड, 10x14 इंच का वन पीस क्विल्टेड, 10x13 इंच का वन पीस क्विल्टेड, थोड़ा सा कपड़ा, पाइपिंग, जिप 9 इंच की 2, 6 इंच की 1, रनर 3, बेल्ट 45 इंच का 1, डिटैचबल हुक 1, डी लूप 1। तो ये हमारा 11x14 इंच का टू पीस क्विल्टेड है ये, और ये इसके बाद है 10x14 इंच का पीस हमारे पास ये सेम कलर में, और 10x13 इंच का चौथा पीस, थोड़ा सा कपड़ा प्रिंटेड उसी से मैच करता हुआ, ये देखिए एकदम मैच कर रहा है। थोड़ा सा कपड़ा हमें चाहिए होगा जिप वगैरह लगाने के लिए, और पाइपिंग चाहिए होगी उसी कपड़े की, बेल्ट इस तरह से 45 इंच की उसी कपड़े की, ये जिप हमारी 9 इंच की 2 है, 6 इंच की 1 है, रनर है, डिटैचबल हुक है, और इसमें हमने बेल्ट का ही पीस लगाया हुआ है, और डी लूप है, ये भी हमने रेडी करके रखा है। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि कैसे बनाना है। सबसे पहले हम लेंगे 10x14 इंच का पीस, और उसको हमें इस तरह से मोड़ करके जिप लगानी है। जो ऊपर का एरिया है हमारा, ये देखिए, ये टोटल हमारा आना चाहिए 7 इंच। तो ऊपर का जो एरिया है हमारा, ये 1 इंच है, और इसमें पहले हम जिप लगा लेंगे तो अपने आप इसका मेजरमेंट निकल आएगा इस तरह से। फिनिशिंग भी दे देते हैं। अब इस पीस को भी हम जोड़ देंगे, लेकिन इसको हम सीधा ही जोड़ेंगे इस तरह से, इसको हमें जिप को पलट के नहीं सिलना है। और इसके साथ ही हमें इसमें पाइपिंग भी लगानी होगी, जिप सीधी होगी और इसमें अब हम पाइपिंग भी साथ में लगाएंगे। और यहाँ पर अब हम जिप खोल के हटा देंगे इस तरह से, और ये जो पाइपिंग का हिस्सा है इसको हम यहाँ पर इस तरह से पलट के सिल देंगे, तो हमारी कोई भी सिलाई दिखाई नहीं देगी और डिज़ाइन भी तैयार हो जाएगी। Thank you.
ये जो बिना पाइपिंग का पीस है ये ऊपर आएगा, इसको हम 1 इंच पर मोड़ेंगे और बाकी को हम यहाँ पर इस तरह से मोड़ देंगे। तो इसको हम इस तरह से मेजरमेंट कर लेते हैं, ये हमारा 1 इंच पर है और इसको हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं क्योंकि हमें बाद में मोड़ना होगा। और इसको निशान लगाने के बाद ये ज़िप यहाँ ले आते हैं और यहाँ जो नीचे इसका ये सेंटर आ रहा है इसको निशान लगा लेते हैं। अब इस निशान पर ये जो हमने पाइपिंग के नीचे वाले हिस्से पर निशान लगाया है एक लाइन खींच लेंगे और ये जो हमारा 10 इंच का एरिया है इसको हम हाफ एंड हाफ निशान लगा लेंगे। अब इसमें हमें ये प्रिंट लगानी है और इसको हमने ये पीस हमने लिया है 7x7 का, अब इसको हम जस्ट हाफ कर देते हैं। ये 7x7 का पीस है, इसको हम ये ट्रायंगलर में काट लिया हमने, इसको जस्ट हाफ काट दिया। अब एक पीस हम लेंगे और इसको यहाँ पर इस तरह से सफाई से लगा देंगे और इसको लगाने के लिए हमें यहाँ कॉर्नर से इसको मशीन चलाना होगा कपड़ा मोड़ के। जहाँ पे सेंटर आ रहा है वहाँ पर हम इसको ख़त्म करेंगे और नीचे का हिस्सा भी हम मोड़ देंगे। तो ट्रायंगलर पर यहाँ कॉर्नर में जितना भी कपड़ा आ रहा है उसको हम अंदर सफाई के साथ दबा देंगे। किनारे वाला जो पीस है उसको सिंपल ही सिल देंगे। ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से निकल आएगी और सेम प्रोसीजर में इधर का पीस भी हम जोड़ देंगे। इस तरह से इसका कॉर्नर बना लेंगे और इसको यहाँ पे फोल्ड कर देंगे, कॉर्नर से कॉर्नर मिला देंगे और पिन लगा देंगे। और इसको यहाँ पे इस तरह से सिल देंगे। ये हमारा इस तरह से फ्रंट तैयार हो जाएगा। अब
इसमें हम रनर डाल के रख देंगे। ये हमारा पीस तैयार हो गया है और ये जो इसमें यहाँ पे जहाँ प्रिंट ख़त्म हो रही है ये इस तरह से हमारा आ जाएगा। हमारा ये पीस अब तैयार हो गया है। अब हम लेंगे 11x13 इंच का पीस, इसको उल्टी तरफ से जस्ट हाफ करेंगे और इसको यहाँ से हम सिल देंगे। सिलने के बाद इसको कॉर्नर के साथ निकालेंगे और इसको हम इस तरह से पलट देंगे। तो ये कुछ ये इसका ऊपर का फ्लैप तैयार हो जाएगा। अब इसमें हमें पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग इस तरह से लगाएंगे। लगाने के बाद अब इसको यहाँ पर इस तरह से सिल देंगे। लग गई। अब ये जो पीस है इसको हम इस तरह से रखेंगे इस पीस को, और इस पीस को हम इस तरह से रखेंगे। इस सीधे पर ये जिप अंदर करके रखेंगे और इसको हम 3 साइड से सिल देंगे। अच्छी तरह से पहले सब चेक कर लेना है सारे कोने बराबर, और अब इसको हम सिल देंगे। अब इसको सीधा करेंगे। सीधा करने पर ये पीस हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से पलटने के बाद ये जो हिस्सा है हमारा, ये इस तरह से जो सिलाई हमने अंदर की है तो यहाँ पर ये खुला हुआ है, तो ये जब इसको हमने पलटा तो यहाँ पर ये सिलाई दिखाई दे रही, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से पलट के और सफाई से सिल देंगे। ये सिलाई से हमारा कुछ इस तरह से बॉर्डर बन जाएगा। दूसरे साइड में भी इसको इस तरह से सिल देंगे। अब हमारा अभी एक पाउच तैयार हुआ है और इसका ये कवर इस तरह से आएगा।
अब अगला पीस हम तैयार करते हैं। अब हम लेंगे 11x14 का पीस। 11x14 के पीस में हम पहले पॉकेट बनाएंगे पीछे की। तो पीछे की पॉकेट बनाने के लिए पहले हमें सारा मेजरमेंट निकालना होगा इस 11x14 के पीस पर। अब हम इसको रखेंगे और नीचे हल्का सा सिलाई का मार्जिन देते हुए, यहाँ पर ये करीब 1/2 इंच हमने सिलाई का मार्जिन दिया है, साइड से 1.5 इंच करीब छूट रहा है हमारा, इसको बीचों बीच में रखना है। इस फ्लैप को ऐसे करना है और यहाँ पर करीब इस तरह से 8 इंच पर हमें ये निशान लगाया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 8 इंच पर जो हमारा निशान है इस पर हम जिप लगाएंगे। तो इसको हम पहले जिप लगा लेते हैं, इसको हमें कट करना होगा। और अब जो हमारी 9 इंच की जिप है उसको लेंगे, एक 9 इंच की जिप हमने लगा दी है, दूसरी 9 इंच की जिप लेंगे जिसमें हम ये पाइपिंग लगाएंगे एक साइड में इस तरह से, क्योंकि मैं इसमें एक ही रनर डाल रही हूँ, एक साइड से पहले हम इसको ब्लॉक कर देंगे। ये हमने यहाँ पर पाइपिंग दे दी, इसको फिनिशिंग भी दे देते हैं। इसमें रनर डाल देते हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट आया है कि रनर डालना नहीं आ रहा है, तो मेरा वीडियो अपलोड है, आप लोग उसमें देख करके सीख सकते हैं, उसमें केवल जिप में रनर डालना सिखाया गया है। इसको भी हम ब्लॉक कर देंगे इधर से। इस कटे हुए पीस में इसको हम इस तरह से सीधा रख के जोड़ेंगे, सेंटर पे जिप रहेगी और इसके ऊपर पाइपिंग आएगी। उल्टा क्विल्टेड पीस रखना है, जिप सीधी रखनी है और पाइपिंग इस तरह से रख के इसको हम तीनों पीस को जोड़ देंगे। इस पाइपिंग को फिनिशिंग दे देंगे। अब ये हमारा 8 इंच का जो पीस था ये तैयार हो गया है और अब इसको जोड़ देते हैं, इसमें भी पाइपिंग लगेगी। तो इसको भी उल्टा रखेंगे, सेंटर में पूरा कपड़ा मिलाएंगे, कपड़ा बराबर से आना चाहिए जो हमारा क्विल्टेड पीस है, और इसमें भी हम पाइपिंग लगा देंगे इस तरह से।
स्लिप हमारी आई है इधर 8 इंच पर, हमें इसको निशान इधर भी लगाना होगा। ये हमारा 8 इंच का निशान आ गया, ये 8 इंच का निशान है। अब इससे हम यहाँ पर 2 इंच डाउन जाएंगे, सेंटर लेंगे 5.5 पर सेंटर लेंगे और इधर हम निशान लगा लेंगे। ये हमारी 6 इंच की जो जिप है यहाँ पर लगेगी इस तरह से। तो हम ये फ्रंट वाला हटा देते हैं, इसको ले लेते हैं और साथ में जो मैंने थोड़ा सा कपड़ा कहा था लेने के लिए उसको ले लेते हैं और इसको हम सेंटर निकाल के यहाँ पे इस तरह से, ये सेंटर है, ये कपड़ा हमने रख दिया और इसका हम सेंटर, ये है हमारा, ये जा रही लाइन हमारी। और अब इस पर हम सिलाई करेंगे जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ। अब इसको हम जो सेंटर वाली लाइन खींची है एक चाक की दूरी पर सिल देंगे। अब इसको हम फोल्ड करेंगे और जो लाइन खींची थी हमने अब उसको हम कट करेंगे। इस तरह से कट करेंगे, इसके कॉर्नर निकाल देते हैं। और अब इसको हम पूरा पलट देंगे, पूरा इसको बाहर निकाल लेंगे अच्छे से। एक पिन यहाँ लगा लेते हैं, दूसरी पिन यहाँ लगा लेते हैं, बाकी कपड़ा पकड़ के सिल देंगे। और इसको पाइपिंग की तरह से हल्का हल्का बाहर निकालना है, तभी इस बैग की सुंदरता और आएगी। और अब इसमें हम अपना जो जिप है इसको भी हम डाल देंगे साथ में और एक सिलाई और चला देंगे। इसमें पहले हम रनर डाल देते हैं, और अब इसको हम इसके नीचे रखेंगे। और ये हमारी से लगनी शुरू हो गई है।
सबसे आसान तरीका। ये हमारी ज़िप लग गई है और जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है अब इसको हम काट देंगे। पूरा हम निकाल देंगे। ये हमारा अंदर बाहर की एक पॉकेट तैयार हो गई है। अब इस पॉकेट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ हमें एक कपड़ा लगाना होगा। जो हम इस तरह से लेंगे, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं और मैं इसको लगभग पूरा कवर कर देती हूँ। अब ये ज़िप हमारी लग गई, इसमें हमने लाइनिंग लगा दी। इसमें जो ऊपर का साइड है यहाँ पर हमने सेंटर लिया है और इसमें अब हम ये डिटैचेबल हुक लगाएंगे ऊपर की साइड में। और नीचे के साइड में डी लूप लगाएंगे। अब इसमें हम ये हमारे दोनों पीस लग गए हैं। अब इसको हम अलग हटा देते हैं। जो हमारा ये ज़िप वाला हिस्सा है इसको लेंगे और ये पीस लेंगे। इन दोनों को हम, ये जो हमने पहले तैयार किया था इसको हम सेंटर में रखेंगे। अब इसको हमें, ये हमारी ज़िप आ रही है और ये जो फ्लैप है जो पहले हमने तैयार किया था इसको जब हम नीचे डाउन करें तो हमें ये पूरी ज़िप दिखनी चाहिए। इस तरह से रखना है, नीचे हाफ इंच का मार्जिन होगा इधर और इस साइड बराबर से सब मार्जिन निकालना है। और इस फ्लैप को छोड़ते हुए, ये जो हमने इसकी साइड में सिलाई की थी इसको छोड़ते हुए, ये जो ज़िप का हिस्सा है जो अलग से हमने पाउच इसमें लगाया था, यहाँ से ये थ्री साइड में हमें मशीन चलानी है। इसको हम इसी में जोड़ देंगे। यहाँ पर डबल मशीन देंगे। और यहाँ पर अब दिखाती हूँ मैं आपको कि एक पाउच हमको ये मिल रही है, एक पाउच ये मिल रही है, एक पाउच ये मिल रही है और एक पाउच ये मिलेगी जब हम उसको जोड़ेंगे। तो ये हमारा एक पीस तैयार हो गया। अब इसके ऊपर हम इस पीस को उल्टा रखेंगे। याद रहे ये जो डिटैचेबल हुक है ये हमारा इधर आना चाहिए इस फ्लैप के ऊपर और ये डी लूप नीचे। इसको हम इस तरह से रखेंगे, बराबर से सारे पीस रखने हैं। अच्छा हाँ सॉरी, इसके पहले हम ये बेल्ट भी लगा देते हैं। जो बेल्ट है और ये जो हमारी बेल्ट है
ये इस जिप के साथ वाले कपड़े पर हम इसको लगा देते हैं। जो दूसरा सिरा है उसको इसके साथ जोड़ देते हैं इस जिप के दूसरी तरफ। और ये जो बेल्ट हमने जोड़ी है इसमें हमने डबल मशीन चलाई है। अब इसको हम अंदर कर देते हैं। इसके ऊपर हम ये पीस रखेंगे। डैच बेल हुक हमारा ऊपर होना चाहिए इस तरह से। और अब इसमें हमें जो हमारा ट्रायंगल हमने खींचा था वो खींच लेते हैं। और ये जो डैच बेल हुक की ये जो बेल्ट आई है इसके साइड में यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। और इसको हम यहाँ पाइपिंग तक, ये जो हमारी पाइपिंग जहाँ ये ख़त्म हो रही है जहाँ पे ये बेल्ट शुरुआत हुई है यहाँ तक हम इसको निशान लगा लेते हैं इस तरह से। इधर भी लगा लेते हैं। और अब इसको हम पूरा फाइनली सिलेंगे। तो यहाँ से ही शुरू करते हैं जहाँ से हमने डिटैचबल हुक लगाया था। इसको अब सीधा कर लेते हैं। अंदर की पाउच को अंदर रखिए, अंदर की पाउच इसमें नहीं सिलनी चाहिए। इसको काटने से पहले हम इसको चेक कर लेंगे। इसको हम सीधा ये हमारा बेल्ट इस तरह से बाहर आ गया। ये देखिए ये हमने कॉर्नर निकाल दिए सही है। और ये जो फ्लैप है अब ये हमने चेक कर लिया है, इसको अब हम काट देते हैं और थोड़ा सा मार्जिन देके हमें काटना होगा इस तरह से। ये हमारा कॉर्नर कट गया, इसको भी हम सीधा कर देते हैं। ये देखिए ये बैग हमारा निकल के सामने आ गया है। और इसमें एक पॉकेट हमारी ये है 1, 2, 3, 4। और इसको बंद करने का ये तरीका है, ये जो हमने डिटैचबल हुक लगाया है इसमें इसको हम इस तरह से लॉक करेंगे और ये पर्स हमारा कुछ इस तरह से आएगा। और ये हमारी लास्ट जिप है जो हमें पूरी अंदर मिलेगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नई फिर कुछ नया लेके मिलेगी। नमस्कार।